Welcome on next data communication lecture series. In this previous lecture we have seen that the flag bytes with bytes per character stuffing. So started the framing कैसे की जा सकती है, इसके लिए एक और तरीका है flag byte with byte per character, इसके जरिए भी हम stuffing कर सकते हैं। इसमें करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ईच फ्रेम है, जो स्टार्ट हो रहा है, जिसका एंडिंग है, हम उसको स्पेशल फ्लैग से फ्लैग बाइट लगाएंगे और उसकी स्टफिंग करेंगे। सो ईच फ्रेम जो स्टार्ट कर रहा है और जिसका एंड है, स्टार्टिंग और एंडिंग जो बाइट्स हैं, और ये भी चेक करेंगे कि अगर जो फ्लैग हम उसमें लगा रहे हैं, अगर उसका ऑकरेंस अगर वो फ्रेम में आता है तो उसमें भी हम एक एक्स्ट्रा बाइट लगा के इंश्योर करेंगे कि वो एक करेक्टर है जबकि वो फ्लैग नहीं है। टू मेक इंश्योर दिस इज़ द बाइट और दिस इज़ द करेक्टर इफ वी आर पुटिंग द बिगिनिंग एंड द लास्ट। सो जैसे कि स्टार्ट हम जो करते हैं कि जो इसका फ्रेम कैसा होगा, ये फ्रेम जो होगा कैसे शो करेगा, तो ऑब्वियसली एंडिंग और बिगिनिंग को हम फ्रेम से लिखेंगे। इसका हेडर होगा, इसका टेलर होगा, और जो बीच का जिसको पोर्शन हम डेटा बोलते हैं पे लोड फील्ड, वो हम वहाँ पे डोनेट करेंगे। तो जो डी लिमिटेड है, लिमिटर्स हैं, वो कैसे फ्लैग बाइट से एक प्रॉपर सिंटेक्स के जरिए शो किए जाते हैं, वो अभी हम इसमें देखेंगे। और उसको हम शो करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट के जरिए, और ये फॉर्मेट हम हर जगह इसका यूज़ भी करते हैं। तो जो सिंटेक्स है, सबसे पहले हम एक बड़ा ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, और इस ब्लॉक का जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग बिट है, इसको हम फ्लैग से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी फ्लैग लगेगा और यहाँ पे भी फ्लैग लगेगा, ठीक है, इस एंड पे भी फ्लैग लगेगा। फिर इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट बॉक्स होगा, ये हेडर कहलाएगा, और जो लास्ट हो, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमने डेटा है इसका एरर फ्री इसको कर लिया है, तो हम यहाँ पे हेडर लगाएंगे, हेडर, और यहाँ पे ट्रेलर लगाएंगे। ये ट्रेलर लगाएंगे और जो बीच का ये पोर्शन है, ये डेटा है, ये कहलाता है पे लोड फील्ड, दिस इज नोन एज दी पे लोड फील्ड। सो दिस इज दी सिंटैक्स ऑफ योर फ्लैग बाइट विद यू कैन से अगर फ्लैग एज ए करेक्टर यूज हुआ है तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। यहाँ पे हम टर्म लिख रहे हैं ओरिजिनल करेक्टर एंड द आफ्टर स्टफिंग। तो जो ओरिजिनल करेक्टर्स जो हम डेटा तैयार करते हैं उसकी स्टफिंग कैसे करते हैं, फ्रेमिंग कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है, इस तरफ हम ओरिजिनल करेक्टर्स लेंगे। और ये करेक्टर्स जो है हम कीबोर्ड से देते हैं, जो हमारा कीबोर्ड है, इससे जो भी लेटर हम टाइप करते हैं उस लेटर्स को
हम इसके जरिए यहाँ पे लिखते हैं। सो नोटेशन ऑफ द करेक्टर विच इज गिवन बाय योर कीबोर्ड इज द ओरिजिनल करेक्टर एंड द दिस साइड इज डोनेटेड बाय स्टफिंग और जब इसकी स्टफिंग करेंगे तो वो करेक्टर्स फ्रेम में कैसे फ्रेमिंग के फॉर्म में फ्रेम में कैसे कन्वर्ट होंगे आफ्टर दी स्टफिंग। ओके आफ्टर दी स्टफिंग। सो इनिशियली मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले मैंने चूज किया पहला जो करेक्टर दबाया वो ए था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए लिखा और इसको मैंने एक बॉक्स में अंदर कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें फ्लैग लगाया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फ्लैग लगाया और फिर एक दूसरा लेटर टाइप किया जो इस करेक्टर को उस करेक्टर को डिस्टिंग्विश करता है कि ये अलग करेक्टर है, ये एक अलग करेक्टर टाइप किया है, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया कि जैसे इसी करेक्टर्स पे मैंने एक फ्लैग दबाएं या एस्केप दबाएं, ये बाइट स्टफिंग में काउंट होता है, तो मैंने अब की क्या दबाया, मैंने स्कैप दबाया, ठीक है। तो स्कैप बटन जो है एक ब्लैंक है करेक्टर, ये भी एक मेरा इनपुट है, ठीक है। अब इस इनपुट के बाद मैंने बी दबाया, तो देयर इज ए थ्री इनपुट्स। नाउ सी दिस, मैंने ए दबाया है एज ए इनपुट, फिर ये फ्लैग स्कैप को फ्लैग भी बोलते हैं, स्कैप भी, मैंने स्कैप यहाँ पे लिखा है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये एक यहाँ पे एज ए बाइट नहीं, फ्लैग बाइट नहीं, ये एज ए करेक्टर यूज कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे ये पता करने के लिए कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो यहाँ पे मैंने फ्लैग लिख दिया, ठीक है, और ये अलग कर लिया, ये यहाँ पे मैंने बी लिख लिया। सो एक और एग्जांपल ले लो, ये ए है और इस ए में मैंने ए लिया है और फिर मैंने क्या किया, मेरा इनपुट स्कैप दो ब्लैंक हैं, एक स्कैप ये, एक स्कैप ये, और फिर मैंने एक और इनपुट करेक्टर दिया बी। ये सारे करेक्टर्स जो हैं हम इसको कीबोर्ड से दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस करेक्टर इज गिवन बाय द कीबोर्ड्स, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे, कैसे इसका हम फ्रेम जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा स्टफिंग कैसे की जाएगी। स्टफिंग करने के लिए जहाँ पे हमको बाइट फ्लैग बाइट देना है तो वहाँ पे हम जो है स्कैप वर्ड यूज करेंगे फ्लैग के लिए, ठीक है। अब आप देखो मैंने ए दबाया, ये मेरा पहला इनपुट था, अब इसकी फ्रेमिंग करनी है और डिस्टिंग्विश करना है कि ये ए लेटर पहले टाइप हुआ है और ये एक फ्रेम है, तो हम क्या करेंगे इसके बीच में फ्लैग डाल देंगे स्कैप के फॉर्म में, ये स्कैप लिखा और ये हो गया पहले करेक्टर के साथ फ्रेमिंग। अभी तो हमने ये फ्लैग भी लगाया हुआ है,
तो जो फ्लैग है उसको लिखेंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है फ्लैग के बाद आना चाहिए। तो ये कहलाता है फ्लैग बाइट स्टफिंग। इसमें देखिए, इस वाले एग्जांपल में इसमें हमने क्या किया कि ए कैरेक्टर पहले हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, स्कैप डालेंगे, ये स्कैप, ये फ्लैग है। फिर इस स्कैप के बाद इसका वाला स्कैप लिखेंगे, तो हमने इसका स्कैप लिखा, और फिर बी लिखा। अब इस वाले में देखिए, इसमें स्कैप फ्लैग दोनों दिए हुए, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये एक आपका एक इनपुट है और ये एक इनपुट है, तो इसके इसके बीच में हमको स्कैप इंसर्ट करना पड़ेगा। सो हेयर वी आर इंसर्टिंग दी स्कैप एज ए फ्लैग और फिर ये तीनों जो इनपुट हैं ये लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड द स्कैप बाइट विद बाइट पर करेक्टर। फिर फ्लैग फिर बी ए नेक्स्ट करेक्ट। अब यहां पे देखिए, ये एक साथ है, ए स्कैप, स्कैप दबाया, स्कैप बार, स्कैप, स्कैप, फिर बी, यानी कि ये। अब पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, ठीक, फिर स्कैप लिखेंगे, ठीक, फिर इसका वाला स्कैप आएगा, फिर स्कैप लिखेंगे, फ्लैग लगाएंगे, स्कैप, फिर वो वाला स्कैप लिखेंगे, और फिर एंड में बी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम फ्लैग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हमको ये ब्लैक फ्लैग बाइट यूज करना पड़ता है, तो हम इंडिकेट करने के लिए फ्लैग बाइट स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम पे इसको फ्लैग के फॉर्म में लगाते हैं फ्रेमिंग करने के लिए। तो जो डेटा लिंक क्लियर है, ये एक स्पेशल स्कैप बटन, एक स्कैप बाइट इसमें इंसर्ट करती है, और जो कि जस्ट बिफोर द अनइंटेंडेड फ्लैग बाइट इन द डेटा। सो जो डेटा रिसीव्ड हो रहा है एंड पे, ये मूव करे, ये रिमूव कर लेगा स्कैप बाइट्स को बिफोर द डेटा आर गिवन टू द नेटवर्क लेयर। तो जैसे ही ये बाइट्स ये रिसीविंग एड पे आएगी, तो जो जो स्कैप बाइट्स हमने इंसर्ट की हैं, जो स्कैप बाइट्स हमने यहाँ पे इंसर्ट की हैं, ये उस एंड पे रिमूव कर ली जाएंगी, और रिमूव करने के बाद हमारा जो डेटा है वो डेटा हम रिकवर कर लेंगे। चूंकि यहाँ पे दो स्कैप है, तो यहाँ पे दो स्कैप बाइट्स लगाई गई है, तो
तो अब ये भी डेटा इसके साथ रिमूव्ड होगा। तो जो ओरिजिनल डेटा हमको मिलेगा वो जो यहाँ से सेंड किया गया होगा, और इस टेक्निक का ही नाम है बाइट स्टफिंग या करेक्टर स्टफिंग। इसी को हम बाइट स्टफिंग बोलते हैं या फिर हम करेक्टर स्टफिंग कहते हैं। सो इस स्टफिंग के बाद जब हम क्या कहते हैं, एक नया वर्ड अगर हम जोड़ें स्टफिंग का, तो वो स्टफिंग कहलाती है स्टार्टिंग जब हम एक और तरीके से इसकी स्टफिंग कर सकते हैं, जब हम स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग को बिट स्टफिंग से करें। पहले बाइट स्टफिंग से किया, अब हम बिट स्टफिंग से भी फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग और जो एंडिंग है, अगर हम इसकी स्टफिंग करें और एंडिंग जो है एंडिंग फ्लैग विद बाइट so starting ending we are stuffing with the help of zero ones की जो sequence है उसकी मदद से इसकी हम stuffing करेंगे। तो ये एक नई technique है और इसमें arbitrary number of bits होती हैं और इसके अपने own characters codes होते हैं। तो जो arbitrary numbers of जो bits हैं वो bits per characters हैं। so the each frame जो begin हो रहा है और जो एंड हो रहा है वो इस स्पेशल बिट पैटर्न से हम इसका फ्लैगिंग स्टफिंग करते हैं। तो जिसको हम फ्लैग बाइट भी बोल सकते हैं। तो जो जीरोस वन का जो कॉम्बिनेशंस है वो है जीरो और छः सिक्स टाइम्स वंस हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और फिर ये जीरो। तो ये जो स्पेशल जो बिट पैटर्न है इसकी मदद से हम स्टफिंग करते हैं। दिस इज द स्पेशल यू कैन से बिट पैटर्न। सो ये पैटर्न हम जब यूज करेंगे तो इसीलिए इसका नाम बिट स्टफिंग रखा गया है, ठीक है। सो इसी को कुछ बुक्स में या कहीं जगह पे इसी को हम ये कह देते हैं कि ये फ्लैग बाइट्स है। इसका हम ये भी कह देते हैं दिस इज द फ्लैग बाइट्स। ओके, सो हम जब सेंडर पे जो डेटा लिंक लेयर है, जब ये पांच कंजुकेटिव वंस का जब डेटा आता है तो उस पांच, जैसे ये छः हैं तो पांच कंजुकेटिव जब वंस आएंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो एक दो तीन चार पांच, इसके बाद ऑटोमेटिकली वो एक जीरो यहाँ पे इंसर्ट कर देता है। फिर वो जो बिट्स जो हमारा डेटा है ऑनगोइंग जो बिट स्ट्रीम्स है फिर वो फॉलो करती है। कहीं पे भी अगर वो पांच बिट स्ट्रीम के सीक्वेंस को देखती है तब फिर वो वहाँ पे भी जीरो इंसर्ट कर देती है। तो ये जो बिट स्टफिंग की जो एनालॉजी है जस्ट
बाइट स्टपिंग से सिमिलर है, बस वहाँ पे हम स्कैप बाइट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम बिट पैटर्न्स यूज कर रहे हैं। और जब इनकमिंग जितनी भी कंसेक्यूटिव बिट्स वंस आ रही हैं, तब जीरो अपने आप ही उसमें चला जा रहा है। जब रिसीविंग एंड पे जब ये देखता है कि इनकमिंग 5 बिट्स आई हैं और उसके बाद एक जीरो आया, वो ऑटोमेटिकली उस जीरो को डिलीट कर देता है। और ऐसे करते हुए जो जितने भी कम्प्लीटली जो हमारे पास फ्रेम्स आए हैं, उसको चेक करने के बाद यूज़र जो है, जो रिसीविंग एंड पे है, फ्लैग पैटर्न्स को फिर ट्रांसमिट करके चेक करता है कि रिसीविंग मेमोरी पे वो जो रिसीव्ड कर रहा है वो सही है कि नहीं। ये कोड अपने अपने हिसाब से हम इसको डेवलप करते हैं, और इस कोड की मदद से हम फ्रेम की बाउंड्रीज और नए डेटा की बाउंड्रीज और फ्लैग सिक्वेंस को हम स्कैन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इसको अगर हमको समझना हो तो हम क्या करेंगे, वी टेक द वन एग्जाम्पल। ऐसे हम एक फ्रेम लिया, हमने एक ऐसे ही एक बिट सीक्वेंस लिया 0 1 0, फिर 0, ठीक है, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, और इस तरीके से मान लीजिए हमने 6 टाइम्स 1 ले लिए। तो अब इसके बाद हमने क्या किया कि 0 लिया, फिर 6 टाइम्स 1 लिया, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। ये अब मान लीजिए मेरे पास एक ओरिजिनल डेटा है, दिस इज द ओरिजिनल डेटा वी हैव। सो व्हाट वी डू नाउ, हम क्या करेंगे, हम स्टफिंग करते हैं। और स्टफिंग करने में क्या करेंगे, सबसे पहले इस जिसकी जिससे स्टफिंग हुई है, हम पहले उसके स्टार्टिंग और बिगिनिंग में हम वो लगाएंगे, हम कौन सा सीक्वेंस ले रहे हैं। तो हम ये वाला सीक्वेंस कोड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्टिंग बिट्स 0 1 1 1 1 1 1 और 0। सो इसके बाद ऐसी एंडिंग पे भी हम क्या करेंगे, 0 1 1 1 1 1 1 0। क्या किया हमने, स्टार्टिंग और एंडिंग पे यहाँ पे भी 0 लगा दिया, और ये बिट पैटर्न स्पेशल कोड यहाँ लगाया शुरू में और एंड में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डेटा है ओरिजिनल, हम देखेंगे कि कहीं पे सीक्वेंस में अगर 5 बार अगर वंस आ जाते हैं तो वहाँ पे हमको 0 इंसर्ट करना है, ठीक है। अभी तक तो हमको सीक्वेंस में मिला नहीं, तो हमने इतना जो डेटा है, ये जो डेटा है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब इस पे आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक 0 इंसर्ट कर देंगे ताकि बिट स्टफिंग की जा सके। अब फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लिखना, ये है 1, और चेक करेंगे कहीं पे अगर सीक्वेंस में आता है तो यहाँ तक पहुँचे। फिर देखा यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो पहले लिखेंगे 1,
फिर दूसरा वन सीक्वेंस का तीसरा वन, चौथा वन, फिर पांचवा वंस, और ये वाला जो छठवां है इससे पहले एक जीरो यहाँ पे इंसर्ट कर दें और फिर जो आखिरी वाला है यहाँ उतार दें। तो आप देख रहे हैं जो वंस मैंने यहाँ इंसर्ट किए हुए हैं उस वंस का पोजीशन आप अगर चेक करना चाहो तो एक जो है पोजीशन, एक जो पोजीशन है एक ये है और एक पोजीशन ये है, ठीक है। इसको कहते हैं, यही कहलाता है स्लॉटेड बिट्स। क्योंकि स्लॉट्स में पड़े हैं इसलिए इसका नाम करना आसान है, स्लॉटेड बिट्स। कहलाएगा स्लॉटेड बिट्स। ये जो बिट्स हैं ये वाली, ये कहलाएंगी एंडिंग फ्लैग्स, ये कहलाएंगी एंडिंग फ्लैग, और ये कहलाएगा स्टार्टिंग 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 फ्लैग। सो आफ्टर द स्टफिंग, जो हमारा जो डेटा है वो जो डेटा हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं वो जो डेटा मिलेगा हमको, किस तरीके का डेटा था वो अगर आपने अगर देखा हो तो हमको वैसे ही मिलना चाहिए जैसा हमने इसको डेटा एंड पे रिसीव्ड किया है। सो इट इज़ दी स्टफ फ्रेमिंग डेटा, यानी कि स्टफ This is the stuff data। और जब ये receiver end पे मिलेगा data तो सबसे पहले ये इस flag और इस ending और beginning flag को remove करेगा, फिर जिस data को इसने collect किया है, जिसको इसने ट्रांसमिट किया है वो यहाँ पे लिखेगा। तो पहला जो डेटा इसने ट्रांसमिट किया था ये था जीरो, ये आया जीरो, ये वन, ऐसे ही ये जीरो 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 और ये कंसेक्यूटिव फाइव वंस, वन टू थ्री फोर फाइव। जैसे ही ये पांचवें प्लेस पे जाएगा ये इस जीरो को रिमूव कर देगा और जो नेक्स्ट बाइट्स स्टार्ट हुई है वो इसको यहाँ पे प्लेस करेगा, वन जीरो, ये आया वन इधर, ये आया जीरो इधर, फिर वन, ये वन इधर, ये वन इधर, फिर ये वन, ये वन, फिर ये वाला वन, फिर ये वाला वन, और ये इसको रिमूव करेगा तो दे पुट दी वन हियर। यही हमारा रिक्वायर्ड डेटा है। तो जो हमको डेटा यहाँ मिल रहा है
वो हमारा डेटा क्या है, जो हमने भेजा था, यानी कि जिस डेटा को हमने सेंड किया था वो डेटा हमारा यही तो हमारा वही डेटा है जो हमने ओरिजिनल भेजा था। इस तरीके से हम स्टफिंग करके फ्रेम्स की बाउंड्री को फिर से रिकलेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मली हमें फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन टेक्निक भी यूज़ करते हैं। ये वहाँ पे इनकोडिंग की जाती है जहाँ पे फिजिकल जो मीडियम है वो उसमें हम कुछ रिडंडेंट ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेन ने इनकोड किया 1 बिट ऑफ डेटा, ठीक है, तो बाय यूजिंग द 2 फिजिकल बाइट्स, तो नॉर्मली 1 बाइट इज़ दी हाई लो पेयर और 0 इज़ दी लो हाई पेयर। तो इस स्कीम से एवरी डेटा जो ट्रांसमिट करेंगे हम इसको बनाते हुए, तो रिसीवर को ये बिट्स की जो बाउंड्रीज है इसको हाई हाई और लो लो आर नॉट यूज्ड हेयर डेटा। यहाँ यूज हो रहा है हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। हायर टू लोअर है तो 1 है, लोअर टू हायर है तो 0 है। इससे वो डेटा को वायलेशंस को फिजिकल लेयर के वायलेशंस को कर सकती है, निकाल सकती है। ये भी एक तरीका है फ्रेमिंग का। तो अभी तक हमने फ्रेमिंग करने के तरीके पिछले से लेकर अब तक हमने इन तरीकों को देखा, ठीक है। नाउ जब कभी भी हम बिट्स को ट्रांसमिट कर देते हैं तो होता क्या है, नॉर्मली देयर इज ए सम एरर इज अकर्ड। सो दिस एरर जो होती है ये होती है आपकी किस वजह से, कि डेटा लिंक लेयर का तो काम है इंश्योर करना एरर फ्री लिंक से डेटा ट्रांसमिशन करना, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं, जो केटर्स हैं, जो एरर को कंट्रोल करते हैं ट्रांसमिशन को, और इसको पता करना पड़ता है कि सेंडिंग एंड पे हमारा एक्नॉलेजमेंट आया है कि नहीं। हमको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी बिट्स में परिवर्तन हुए हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन एरर है ये एरर या तो लिंक के चैन की वजह से, या वीकेस्ट जो हम लिंक यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, या माइक्रोवेव लिंक या फाइबर ऑप्टिक्स चैनल में जो एरर रेट्स होती है सबसे कम होती है 10^-12 एरर। तो जो लिंक है यही एरर को क्रिएट करता है, अनवांटेड सिग्नल्स को और रिड्यूस करता है। तो जो सोर्सेस ऑफ ट्रांसमिशंस एरर्स हैं ये एक फिनोमना है, एक इट इज़ ए फिनोमना। और ये फिनोमना जो होता है या तो क्रॉस टॉक के फॉर्म में होगा, दो वायर्स आपस में ट्विस्टेड केबल वायर है, हायर इम्पीडेंस लोअर इम्पीडेंस में मर्ज करेगा और आपका जो सिग्नल है मर्ज कर जाएगा लोअर वाले इम्पीडेंस में, और जो सिग्नल्स उसमें प्रोपोगेट कर रहा है वो दूसरी लाइन में चला जाएगा। तो जो आपका जो कनेक्शन है, जो आपने जिसको मिलाया है, वो दूसरे को जाके लग जाता है, ये क्रॉस टॉक कहलाता है। फिर माइक्रोवेव लिंक में क्या होता है, फेडिंग का इफेक्ट होता है। फेडिंग का इफेक्ट इसलिए होता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी फिनोमेनाज हैं, हवा है, धूल है, आपके बिल्डिंग्स हैं, और क्या कहते हैं, पहले से प्री डिफाइंड झीले हैं, गड्ढे हैं, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब है, हमने खुद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। तो इनकी वजह से भी जो सिग्नल्स हैं उसको एक स्ट्रेट पाथ में पॉइंट टू पॉइंट फ्लो करने में दिक्कत होती है। अब जब हम वॉइस ट्रांसमिशन करते हैं तो जो हम कंप्रेस करते हैं डेटा को सिग्नल के एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, तो वो नैरो बैंड में जाने लगता है। और जब एम्पलीफायर जो कि लीनियर इतना लीनियर वाइड रेंज में नहीं है कि वो उसको एम्पलीफाई कर सके, तो जो हम कंप्रेशन करते हैं तो जो कंपाउंडिंग होती है जो हमारी वॉइस वो इंट्रोड्यूस कर देती है एरर को। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम जो कैरियर वेव्स ले रहे हैं वो परफेक्ट कैरियर वेव्स हो, इसका एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और फेज
विल बी ऑलवेज एग्जीबिट एग्जीक्यूट या एग्जीबिट दी सम जिटर्स, कहीं ना कहीं ऐसा होता है फेस में अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती ही है। तो जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है और जो रिसीवर इसको एरर को ले रहा है, तो कैसे हम सिंक्रोनाइज करें, कैसे ट्रांसमीटर को एक दूसरे एंड के रिसीवर से हम कैसे सिंक्रोनाइज करें, जब मिलियंस सेकंड में ही सिंक्रोनाइजेशन जबकि हो जा रहा है। तो ऐसे में हम क्यों अपने डेटा को किसी दूसरे रॉन्ग डेस्टिनेशन पे भेजते हैं, तो ऐसे एरर्स को हम कैसे डिटेक्ट करें, कैसे निकालें। तो जो एरर का जो रेट है, बिट एरर रेट, जिसको बेसिकली हम स्मॉल ई से डोनेट करते हैं, जो हमारा टर्म है वो स्मॉल ई से डोनेट किया जाता है। और हमको ये पता है कि कॉपर का जो चैनल है उसमें टिपिकली जो ई है 10^-8 है एरर रेट, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में ये बहुत कम होता है, ऑप्टिकल फाइबर में 10^-12 होता है, कॉपर में कितना होता है 10^8, ठीक है ना। कॉपर चैनल अगर हम यूज वायर यूज कर रहे हैं तो इसमें और ये ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल तो अब आप अगर देखें कि अगर कोई n बिट का अगर कोई डेटा है हमारे पास, ठीक है, और इसमें एरर के जो कोई भी क्लस्टर्स नहीं है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी विदाउट, क्योंकि एक से ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती किसी भी चीज़ की, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी अगर ये एरर फ्री है, कोई एरर के क्लस्टर्स नहीं है, तो जो ट्रांसमिशन है विदाउट एरर कैसे होगा, 1 - e की पावर n। तो इतने नंबर ऑफ एरर फ्री बिट्स हम डेटा रेट अचीव्ड कर सकते हैं। अगर n नंबर ऑफ हमारे पास डेटा बिट्स हैं, ठीक है, और e हमारा जो है ये e है, ये बिट्स एरर रेट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर किसी की एक है, कोई एरर नहीं है, तो जो हम सेंड करेंगे कितने बिट सेंड करेंगे उतना ही तो हमारा एरर होगा। अगर e की पावर n अगर हमने बिट सेंड की और कोई एरर नहीं है, तो जो प्रोबेबिलिटी 100% है तो कितनी होगी, 1 - e की पावर n। तो ये जो ब्लॉक है, अगर हम कहें कि अगर इसका हम इनवर्स ले लें, इसको अगर हम कहें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 सेकंड को घटा दें, तो जो हमको मिलेगा यही हमारा सिस्टम में एरर कहलाएगा। विदाउट एरर मतलब 1 - e की पावर, दो सिस्टम है तो 1 - e की पावर टोटल ऑफ पावर ऑफ n। तो अगर यहाँ पे जो बिट एरर है अगर ये एक से बहुत ज़्यादा है, तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब अगर बाइनोमियल को एक्सपेंड कर दें और इसकी प्रोबेबिलिटी को देखें, ब्लॉक एरर इक्वल करके देखें, तो जो e की पावर n होगा ये तभी होगा जब e बहुत ज़्यादा हो एक से, तो जब ये रफली आएगा तो 10^-4 आएगा। तो इसका मतलब कि फॉर ईच ब्लॉक अगर प्रोबेबिलिटी e^-4 है, तो 8 bytes जो है नो स्टॉप और नो स्टार्ट बिट हो, तो इतनी लाइन का हम ये ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं, इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जब फिजिकल प्रोसेसिंग करते हैं, तो जो नॉइस है और जो एरर है
ये वर्स कब हो जाती है, जब सिंगली होती है। तो जब एरर वर्स होती है तो यानी कि दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों इस सिंगल बिट एरर में इंक्लूड रहती है। और एडवांटेज साइड क्या है कि कंप्यूटर्स जो है वो हमेशा बल्क ऑफ बिट ही भेजता है, और बल्क ऑफ साइज जो बिट है अगर 1000 बाइट्स है तो एरर रेट क्या हो जाएगी, 1/1000 बाइट्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 0.001 पर बिट, यानी ये डेटा कैन बी सेंड, नंबर ऑफ डेटा कैन बी सेंड इन 1 सेकेंड। तो दैट मीन्स बिट पर बाइट कितनी हो जाएगी, 0.001। इफ द अगर हम ये कहें कि जितने भी ब्लॉक हमने भेजे हैं और सब में एरर है, और जो एरर है ये वर्स है 100 है, तब तो हम सिर्फ और सिर्फ एक या दो ब्लॉक में 100 भी अगर हम रखेंगे बिट्स तो भी ये अफेक्टेड होगा। और ये एक एवरेज है, अगर इस एवरेज से जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस एरर को डिटेक्ट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा और करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको ये जानने की कोशिश करनी पड़ती है कि टाइप्स ऑफ एरर कौन सी है। तो डेटा लिंक लेयर यूजेस द एरर कंट्रोल टेक्निक्स, सो विच इज इंश्योर दैट द फ्रेम दैट इज द बिट्स ऑफ डेटा विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन विद दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी। बट इफ व्हेन द बिट्स आर ट्रांसमिट ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क दे आर द सब्जेक्टेड टू बी करप्टेड ड्यू टू इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस एंड समटाइम्स इट इज द नेटवर्क प्रॉब्लम। सो द करप्टेड जो बिट्स हैं इट लीड्स टू स्पूरियस डेटा बींग रिसीव्ड बाई द डेस्टिनेशन एंड दिट इज नोन एज द एरर। सो द टाइप्स ऑफ एरर कैन बी करेक्टराइज बाय थ्री थ्री वेज। वन इज द सिंगल बिट एरर्स, अनदर वन इज द मल्टीपल बिट एरर्स, एंड द लास्ट वन इज द बर्स विद बर्स एरर। सो सिंगल बिट जो एरर है जो कि इंटरफेरेंस यानी कि सिग्नल के शेप में कुछ चेंजेस हुए हैं और जो अनप्रिडिक्टेबल हैं। सो द पॉइंट बिट्स फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर दैट इज द अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस। तो इन दैट कंडीशंस देयर इज ए एरर इज इंट्रोड्यूस। अब सिंगल एरर बिट एरर कब कहेंगे, द टर्म सिंगल बिट एरर मीन्स ओनली वन बिट्स ऑफ गिवन डेटा यूनिट सच एज बाइट करेक्टर और पैकेट इज चेंज फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1। अगर 1 to 0 में चेंज हो रहा है और 0 to 1 में खाली एक ही पोजिशन में, तब हम कहेंगे सिंगल बिट एरर है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये फ्रेम सेंड किया और फ्रेम में हमारा जो डेटा था ये डेटा इस 8 बिट के फॉर्म में था, 1 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 0 यहाँ। और ये ट्रांसमिट होकर रिसीव्ड हुआ, जो 1 भेजा था वो एट इट इज 1 रिसीव्ड हुआ, जो 0 भेजा था वो एज इट इज 0 रिसीव्ड हुआ, जो हमने 0 भेजा था। अब यहाँ पे देखो जो 0 भेजा है उसका जो बिट का लोकेशन है, वो जो बिट्स यहाँ पे शोन हो रही है, ये पोजीशन जो है चेंज, पहले वहाँ पे ऊपर ओरिजिनली क्या था, पहले ओरिजिनली क्या था वहां पे, पहले ओरिजिनली यहाँ पे 0 था और अब 1 हो गया। तो खाली एक ही पोजीशन, बाकी एज इट इज है,
जैसे ऊपर वन है तो यहाँ पे भी रिसीव्ड वन हुआ, यहाँ पे भी वन हुआ, यहाँ पे भी जीरो हुआ, वहाँ पे भी वन हुआ, यहाँ पे भी जीरो। लेकिन इन साहब को नहीं मालूम कि ये बिट जो चेंज हुई है वो कहाँ पे हुई। ऐसी भी टेक्निक है, वो ये भी पता कर लेंगे कि किस पोजिशन पे या किस लोकेशन पे ये डेटा आपका चेंज हुआ है और कौन सी बिट चेंज हुई है जीरो और वन्स में। तो इट इज नोन एज सिंगल बिट एरर, इसी को हम कहते हैं सिंगल बिट एरर। सो इट इज दी ओके सिंगल बिट एरर। तो इसके आगे के जो टाइप्स हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।